वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आप सबको फिर से स्वागत करते हैं मेरे और एक न्यू वीडियो में। तो गैस आज हम अपना बस्ती जा रहा है डमरो। तो गैस इसलिए मैं आज आप लोग को मेरा इस छोटा सा सफ़र को आप लोग का साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अभी हम पासीघाट से कुछ दूर निकल चुका है, जस्ट तोरा बोदाक को पार करके उसके आगे में हम पहुँच चुका है। पासीघाट जगह को नहीं दिखाया आप लोग को क्योंकि उसमें हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो बार बार एक चीज़ को दिखाते रहने से आप लोग भी बोरिंग हो जाएगा बोल के, इसलिए हम सीधा यहाँ में आधा रास्ता में हम लोग का वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गैस अभी हम लोग निकल रहा है डमरो बस्ती की ओर। ये हम लोग का गाड़ी स्कूटी से जा रहा है और ये मेरा भाई है, भाई तो है इमतला। हम दोनों जाएगा अपना बस्ती की ओर। तो अभी निकलते हैं डमरो बस्ती की ओर। देखिए आज का वेदर भी बहुत फ्रेश है, सुबह को बारिश देखिए, अभी थोड़ा 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 धूप निकल रहे हैं। ऐसा भी हम लोग एक गतानदा वाला जगह में पहुंच चुका है। ये जगह का नाम है रिवी कोरोंग। यहाँ में हमेशा ब्लॉक होता है जब भी बारिश आता है। हम लोग का अरुणाचल में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बारिश देने से सीधा रास्ता ब्लॉक। देखो उस दिन खतरनाक से इसमें ब्लॉक हो गया था बारिश का वजह से। देखिए रास्ता भी बहुत खराब था। पूरा रास्ता पुकरी बन गया, मछली डालने से भी आराम से इसमें बैठ पाएगा, पूरा गहरा हो गया। और गैस ये जगह से है हम लोग का अपर शहर, मेरा बस्ती जो अपर शहर के अंदर में है। तो यहाँ से शुरू होता है अपर शहर। इसमें भी सेम बहुत सारा है ऐसा ब्लॉक पॉइंट। देखिए गाड़ी चढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। लैंडस्लाइड हो गया रास्ता में, इसलिए वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पा रहा है। देखिए पूरा पत्थर गिर गया है ऊपर से, बड़ा बड़ा पत्थर।
सो फाइनली हम गाइस एक ऐसा जगह में पहुंच गया है जो बहुत खतरनाक और साथ में बहुत डेंजर भी है। देख सकते हैं ये है वो जगह, ये जगह जो मेरा गांव से बिल्कुल सामने में है, दमरोबले से उसका बिल्कुल सामने में है। और गाइस यहाँ का अभी हम व्यू को दिखाऊंगा आप लोग को। ये देख सकते हैं इधर से पूरा नीचे तक, यहाँ से एक बार गिरने से खत्म। और वहाँ में बहुत सारा फेदीफील है और वो उसमें जो देख रहा है वो है मेरा गांव। और ये है राने मॉर्निंग। वाओ और गाइस अगर आप लोग भी ये जगह मेरा गांव का यहाँ से जाने से आप लोग भी इसमें प्लीज इसमें फोटो खींचना मत भूलना, ऐसा जगह आप लोग को नहीं मिलेगा। और गाइस ये जगह को लगभग 3 साल से अधिक समय लगा है ये रास्ता को बनाने के लिए। पूरा देखो पहाड़ को काट के उसका एकदम बीच से रास्ता बनाया है। वाओ गाइस आप लोग को हम इसको डेंजर इसलिए बोला है क्योंकि ये देखो ये पूरा प्योर पत्थर से है ये पहाड़। जो अगर आप लोग बाई चांस उसमें कुछ ऊपर से पत्थर गिरने से आप लोग को लग सकता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है और साथ में बहुत सुंदर भी है। तो गाइस अभी हम लोग करते हैं कंटिन्यू हम लोग का सफर को दामरो बस्ती की ओर। तो गाइस अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा राने मॉर्निंग को। ये देखो पूरा पहाड़ को काट के ऐसा रास्ता बनाया है। इतना खतरनाक, ऐसा खतरनाक व्यू आप लोग को कहीं में भी देखने नहीं मिलेगा यहाँ का, हम लोग का जगह में सिर्फ यहाँ में मिलेगा ऐसा जगह। ये देखो पहाड़ में बहुत हाइट वाला है। गाइस आवाज भी नहीं निकल पा रहा है आप लोग के लिए, लेकिन भी हम वीडियो बना रहा है, पूरा कासी हो गया है इसलिए अच्छे से आवाज भी नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा आवाज भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन भी आप लोग प्लीज वीडियो को बिना स्किप करके देख लीजिए और साथ में आपको कभी हम ऐसा अच्छा अच्छा व्यू दिखाऊंगा। छोटा सा क्रम को शिपोंग क्रम के आप लोग का यहाँ भी जाना जाता है। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपना बस्ती में, तो अभी आप लोग को भी दिखाऊंगा अपना बस्ती को थोड़ा सा। अभी ये जस्ट आगे में है बस्ती, यहाँ से शुरू होता है डमरा बस्ती। गाइस ये है डमरो दमरो बस्ती आ चुका है। ये देखिए नीचे में भी बहुत सारा घर है। वाओ एकदम गाइस पूरा सुकून मिल गया है अपना बस्ती को देख के, बहुत दिन से नहीं आया है अपना बस्ती के पास, वो बस फर्स्ट टाइम वापस आ रहे हैं बहुत दिन के बाद। ये है मेरा बस्ती का अपर साइड है ये,
अभी का जो हाईवे का सामने में था। वाह, वेदर एकदम बहुत बढ़िया है, इतना शांति है जगह भी। और ये कम्युनिटी हॉल देखो, ताइडेल का ये कम्युनिटी हॉल है। और वो उस तरफ वाला जो वो बर्तिन का, ये बर्तिन ताइडेल का कम्युनिटी हॉल। और यहाँ से जाने से आप लोग को बर्तिन का बस्ती मिलेगा। फाइनली पहुंच चुका है अपना घर। गोलू है, गोलू गोलू जो वेलकम कर रहे हैं हमको। गोलू। और ये है, ये रंग बस्ती है ये। यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो ये है ये रंग बस्ती। सबको नहीं देख पाता है, वो नीचे में भी है घर। और यहाँ में रॉकी भी वेलकम कर रहा है। रॉकी 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 रॉकी। अब देख सकते हैं गाइस, बस्ती का ये हालत है। उधर में सुअर का सीखने का आवाज, खाना मांग रहा है। और यहाँ में मुर्गी, ये भी अम्मू का मुर्गी है। और आप लोग को अभी हम दिखाऊंगा मुर्गी भी। ओ मुर्गी बोलते हैं सुअर। ये देखो ये लोग पूरा चिल्ला रहे हैं। इसमें भी है। और ये है ये लोग का माँ। ओम 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 यो यो यो। और इसमें ये दोनों भी पूरा चिल्ला रहे, ये देखो बॉस दोनों। खाना मांग रहे ना, रंग भी दे, हम खाना नहीं देगा अभी। और ये लोग का ताली, ये देखो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसको भी बेम्बू से बनाया जाता है हम लोग के यहाँ में। पूरा टॉयलेट कर दिया है। तो गौरी भाई दोनों, बाय बाय टाटा, थोड़ा देर का बाद आप लोग को खाने मिल जाएगा। और गाइस आज के लिए वीडियो इतना था कि मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस आज का वीडियो हम इतना अच्छा से नहीं बना पाए हैं क्योंकि थोड़ा सर्दी कासी हो गया, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को भी। लेकिन भी आप लोग उसको प्लीज़ एवॉइड करके मेरा वीडियो को अच्छे से देख दीजिए। और साथ में आप लोग जितना भी हो सके शेयर कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट कभी नहीं, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कर दीजिए। और जाते जाते प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।